Hello and welcome back, everyone. This is Mohammad Sawaz Alam and you are watching Ramadan Tutorial, your door to the future. आज का क्लास होने वाला है क्लास 10 का फिजिकल साइंस चैप्टर नंबर 5 लाइट का ये थर्ड पार्ट है. रे डायग्राम फॉर स्फेरिकल मिरर ये आज हम अपने क्लास में डिस्कस करने वाले हैं. रे डायग्राम स्फेरिकल मिरर यानी कि जो दो तरह के मिरर है कन्वेक्स और कनकेव मिरर यानी उत्तल और अवतल दर्पण इन पर रे डायग्राम कैसे बनता है विभिन्न अवस्थाओं यानी विभिन्न पोजिशंस पे उनके जो डायग्राम्स बनते हैं वो कैसे बनते हैं आज के क्लास में हम लोग जानने वाले हैं. अगर आप लोगों को जानना है इस चैप्टर से बाकी चैप्टर्स पार्ट्स के लिए तो ऊपर के आई बटन को फॉलो कीजिए जहां पर आपको पुराने पार्ट्स के बारे में आइडिया मिल जाएगा उन्हें जाके कंप्लीट करिए और उसके बाद थर्ड पार्ट को स्टार्ट कीजिए. और अगर आपको रे डायग्राम के बारे में जानना है तो ये वीडियो आपके लिए है और इसके बाद आने वाले दो पार्ट्स भी इसी पर है. तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं और डिस्कशन करते हैं किस तरह से रे डायग्राम बनता है. तो देखिए स्फेरिकल मिरर यानी जो हमारा गोली दर्पण होता है इस पर रे डायग्राम बनाने के लिए आप लोगों को कुछ बेसिक बातें पहले से पता होनी चाहिए. वो बेसिक बातें हैं कि ऐसे कितने रे ऑफ लाइट है जिनको हम कंसीडर कर सकते हैं स्फेरिकल मिरर के डायग्राम को बनाते टाइम रे डायग्राम को बनाते हुए. तो सबसे पहले मैं आपके सामने ये स्केचिंग मैं बिल्कुल रफ में कर रहा हूँ क्योंकि मैं अभी आपके सामने पूरे सेट के साथ नहीं बैठ सकता तो रफ स्केचिंग कर रहा हूँ. मैं कंसीडर कर लेता हूँ कि ये हमारे एक स्फेरिकल मिरर है जिसके इस साइड पर कोटिंग की गई है. अब इस स्फेरिकल मिरर के जिन चीजों को आपको गौर करना है जिन रेस पर आपको गौर करना है वो होने वाला है प्रिंसिपल एक्सिस. तो मैं यहाँ पर इसका प्रिंसिपल एक्सिस ड्रॉ करता हूँ. आपको पता है इस एक्सिस को हम लोग प्रिंसिपल एक्सिस या प्रधान अक्ष कहते हैं. अब प्रधान अक्ष के से जो चीजें हम लोगों को डिस्कशन में लानी है वो है एक रे जो हमारे पास टोटल आज के पास डिस्कशन में होने वाले हैं चार रे जिसमें से पहला रे हम अभी डिस्कस करने जा रहे हैं वो रे जो प्रकाश जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाती है यानी मुख्य अक्ष के समानांतर जा रही है. आपको मैं बताऊं ऐसा रे ऑफ लाइट जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जा रही है उसके साथ क्या होता है जब भी वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल रहती है तो आके गिरती है आपके स्फेरिकल मिरर पे और स्फेरिकल मिरर से ठीक उसके बाद जैसे वो स्फेरिकल मिरर पे आके गिर जाती है गिरने के बाद यहाँ पर रिफ्लेक्शन फॉलो करते हुए कुछ ऐसे चली जाएंगे. यहाँ पर जो जाने का नियम है वो मैं आपको बताऊं. यहाँ पर जो जाने का नियम है वो ये है कि जब वो गुजरेगी तो वो फोकस से गुजरेगी. किस बिंदु से गुजरेगी फोकस से. ठीक है तो जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जा रही है वो जाती हुई प्रकाश की किरण रे ऑफ लाइट रिफ्लेक्ट होने के बाद यानी परावर्तित होने के बाद कहां से गुजरेगी फोकस से गुजरेगी. ये फर्स्ट रे ऑफ लाइट है. इस तरह के चार रे ऑफ लाइट के बारे में आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं. किसी भी रे डायग्राम को बनाते वक्त आपको इस तरह के चारों रेज के बारे में आइडिया होना चाहिए पर मैं कहूंगा अगर आपको तीन पता है दैट इज गोइंग टू बी एनफ. तो पहला रे कौन सा हुआ पहला रे हुआ जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जा रही है. प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाती हुई प्रकाश की किरण रिफ्लेक्ट होकर यानी परावर्तित होकर फोकस से गुजरती है. इस जो हमारे पास ये जो स्फेरिकल मिरर है इसके बारे में आपको पता होगा कि इस पॉइंट को हम पोल कहते हैं. ये हमारा प्रिंसिपल एक्सिस है और ये हमारी रे ऑफ लाइट है जिस पॉइंट से गुजर रही है फोकस है और आपको फोकस का ठीक ट्वाइस लेंगे तो हम लोग उसे कहते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर. और ये सीपी जो है ये हमारा रेडियस ऑफ कर्वेचर है. सीपी यानी कि रेडियस ऑफ कर्वेचर जो फोकल लेंथ होता है उसका ट्वाइस होता है. ये हम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ लिया अपने पार्ट टू के वीडियो में. अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो प्लीज ऊपर के आई बटन पे जाकर उसे जरूर देख लें उसके बाद आप इस वीडियो पे आ सकते हैं. तो आप लोगों को ये समझ में आ गया कि जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है वो कहां से गुजरेगी वो फोकस से गुजरेगी. दूसरा जो रे है हम इसी पर प्रैक्टिस कर सकते हैं वो ठीक इसका उल्टा है. उल्टा मतलब अगर आप ऐसा कोई रे ऑफ लाइट लोगे मैं इसका दोबारा ड्राइंग बनाता हूं. ओके काफी गंदी सी ड्राइंग बन रही है मैं थोड़ा ठीक कर लेता हूं थोड़ा समय से ठीक कर लेता हूं. तो दूसरा आप जो मैं ड्राइंग बना रहा हूं उसको ध्यान से देखिएगा. अगर आप दोबारा एक ऐसा एक्सिस आप एक स्फेरिकल मिरर लेते हो और इस पर प्रिंसिपल एक्सिस ले लेते हो ठीक है. मैं इस बार कोटिंग नहीं कर रहा हूं आपको सिर्फ समझाने के लिए जो मेन चीज है वो बता रहा हूं. कोटिंग याद रखिए दोबारा पीछे की तरफ ही है. तो यहां पर आप मान लो कि ये आपका फोकस पॉइंट है और इसका ठीक ट्वाइस जो है ये आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर है. तो यहां जो दूसरा रे ऑफ लाइट है वो कहता है कि ऐसा रे ऑफ लाइट जो फोकस से गुजर रहा है उसका क्या होगा. तो जैसा आप लोगों ने पिछले केस में पढ़ा था कि जो प्रिंसिपल एक्सिस का पैरेलल होता है वो फोकस से गुजरता है तो ये देखिए ठीक उसका उल्टा फोकस से जा रहा है तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगा. तो यहां पर ये रिफ्लेक्ट होगा यानी परावर्तित होगा और कैसे परावर्तित होगा प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल में. क्लियर हो गया. तो ये यहां पर रे ऑफ लाइट जो फोकस से आ रही है वो कैसे जाएगी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होकर निकल जाएगी. हम लोगों ने दूसरा रे ऑफ लाइट के बारे में जान लिया. आज के क्लास में हम जिन चार रे ऑफ लाइट्स के बारे में जानने वाले हैं
इन चार रे ऑफ लाइट्स को यूज करेंगे अपने अगले क्लास में पार्ट फोर में, जो थोड़ा लंबा वीडियो होगा जिसमें हम लोग डिस्कशन करेंगे पूरे बेहतरीन तरीके से डिफरेंट पोजिशन पे कैसे इमेज फॉर्मेशन होते हैं। अब हम लोग आज के तीसरे रे ऑफ लाइट के बारे में जानते हैं। आज जिन चार रे ऑफ लाइट को पढ़ेंगे वही हमारे अगले क्लास में इस्तेमाल होने वाले हैं। तो अगर आपने पार्ट थ्री नहीं देखा और आप पार्ट फोर देख रहे हैं तो थोड़ा आपको कंफ्यूजन हो सकता है। चलिए बढ़ते हैं इसके बारे में। दोबारा मैंने अपना स्फेरिकल मिरर ड्रॉ कर लिया है और मैंने उसका प्रिंसिपल एक्सिस ड्रॉ कर लिया। अब इस स्फेरिकल मिरर के लिए मैं आपको बताना चाहता हूं ये जो थर्ड रे ऑफ लाइट है वो कौन सा है। थर्ड रे ऑफ लाइट जो है वो होने वाला है ऐसा रे ऑफ लाइट जो आके सीधे पोल पर गिरती है, जो आके सीधे पोल पर गिरती है। अगर कोई ऐसा रे ऑफ लाइट आपको मिले जो सीधे आके पोल पर गिरे तो याद रखिए यहां पर वो सिर्फ रिफ्लेक्शन करेगा। रिफ्लेक्शन मतलब यहां पर उसके जो एंगल्स बनेंगे इसके साथ यानी प्रिंसिपल एक्सिस के साथ और इस तरफ, ये दोनों सेम होंगे। हम लोगों ने लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन को अपने फर्स्ट पार्ट में पढ़ा था, उम्मीद करते हैं आपको वो याद होगा। तो ये था हमारा फोर्थ रे ऑफ लाइट, वो जो आकर सीधे पोल यानी ध्रुव पर गिरती है, गिरने के बाद वो उसके उससे ठीक रिफ्लेक्ट होकर परावर्तित होकर निकल जाती है। यहां पर ये दोनों एंगल सेम होता है। फोर्थ एंड लास्ट वन के बारे में जानेंगे जिसके बाद आज हम अपने वीडियो को कंक्लूड कर सकते हैं और आज का हमारा क्लास जो है बस इतना ही जानना था जिसे हम लोग कंप्लीट करेंगे। हम अगले पार्ट के लिए जो कि वीडियो के जो वीडियो खत्म होते ही एंड में आपको दिख जाएगा उस पार्ट में डिस्कस करेंगे स्फेरिकल मिरर पे किस तरह से बाकी रे ऑफ डायग्राम फॉर्म होते हैं इन चारों को यूज करके। लेकिन इससे पहले कि मैं फोर्थ वन के बारे में बात करूं, चलिए डिस्कशन कंप्लीट करने से पहले फोर्थ रे ऑफ लाइट के बारे में बता दूं। जैसा कि आपको पता है कि ये हमारा फोकस है और ये हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर है, ठीक है। तो अब जो फोर्थ रे ऑफ लाइट है इससे कौन सा रे ऑफ लाइट को लेना है मैं बता दूं। ये जो फोर्थ रे ऑफ लाइट है वो लाइट है जो सेंटर ऑफ कर्वेचर पे गिरती है, ठीक है, जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से होकर जा रही है। इस रे की खासियत ये है ये बिल्कुल भी डेविएट नहीं होगी, जैसे आ रही थी बिल्कुल वैसे ही वापस चले जाएगी। क्लियर है? मतलब जिस रास्ते आएगी उसी रास्ते वो वापस चले जाएगी। तो हम लोगों ने क्या देखा, रे डायग्राम बनाने के लिए यानी कि जो स्फेरिकल मिरर हमारे पास होते हैं उन पर अगर आपको रे डायग्राम बनाना है तो इन चार रेज का आपको आइडिया होना चाहिए। चारों रेज के बारे में एक एक करके बता देता हूँ, पहले इंग्लिश में बताता हूँ फिर हिंदी में बता देता हूँ। प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जो जा रही है वो रिफ्लेक्ट होकर जाएगी फोकस से। सेकेंड, ठीक उसका ऑपोजिट वन जो फोकस से जा रही है वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होगी। थर्ड वन जो पोल पर आकर गिर रही है वो वहां से रिफ्लेक्ट होकर चली जाएगी। फोर्थ एंड द लास्ट वन जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से जा रही है वो उसी रास्ते में बैक कर जाएगी। अब इन सबको हिंदी में समझ लेते हैं। मुख्य अक्ष की जो समानांतर जा रही है, जो प्रधान अक्ष के समानांतर है वो फोकस से जाएगी। दूसरा, जो फोकस से जा रही है वो मुख्य अक्ष के समानांतर हो जाएगी। तीसरा, जो पोल यानी कि ध्रुव पर आ रही है वो वहां से परावर्तित होकर चली जाएगी। चौथा, जो वक्रता केंद्र से होकर जा रही है वो उसी रास्ते वापस चली जाएगी। बहुत सारे हिंदी मीडियम के कैंडिडेट्स का बार बार कंप्लेन आ रहा है कि सर आप इंग्लिश में क्लासेस टर्म्स को इंग्लिश में ज्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं, और इंग्लिश के स्टूडेंट्स का कमेंट आ रहा है सर आप हिंदी में इस्तेमाल कर रहे हैं। आई एम बिट कंफ्यूज्ड। तो आप लोग थोड़ा इस बार में हेल्प करें, मैं कोशिश करूंगा क्लास को बायलैंग्वल रखूं। इवन तो मैं बायलैंग्वल रखता हूं, टर्मिनोलॉजीज के साथ मुझे हिंदी इंग्लिश दोनों इस्तेमाल करनी पड़ी है। आई होप कि मैं आपको सही तरीके से एक्सप्लेन कर पाया हूंगा। ये वीडियो आप लोगों के लिए प्रोडक्टिव बना होगा जहां पर आप लोगों ने कुछ सीखा। हम अगले पार्ट में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि एक पोजीशन पे ऑब्जेक्ट को रखने पर उसका इमेज फॉर्मेशन कहां होता है और कैसा होता है। अगले क्लास में पार्ट फोर में हम डिस्कस करेंगे जिस स्फेरिकल मिरर का, वो है कनकेव मिरर। कनकेव मिरर के बारे में हम अपने अगले क्लास में जान लेंगे, यानी कि अवतल दर्पण पर ये जो रे डायग्राम है, किरण आरेख है, ये कैसे बनता है। उसके बाद अगले क्लास में हम लोग अवतल दर्पण के बाद उत्तल दर्पण यानी कन्वेक्स मिरर के बारे में डिस्कस करेंगे। तो ये रहेगा हमारा अच्छा क्लास। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आता है तो काइंडली वीडियो को लाइक कर दे, नहीं पसंद आने पर डिसलाइक करें, और जो बताया वीडियो में क्या प्रॉब्लम है जिनको भी इंप्रूव करें। आप देख रहे थे रमजान ट्यूटोरियल। थैंक यू सो मच, सी यू द नेक्स्ट क्लास।